एन के परिणाम घोषित हो चुके हैं और हमारे साथ हैं फ़र्स्ट रैंक हासिल करने वाली कल्पना कुमारी और उनके साथ हैं मौसिफ सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और सब पहली क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि आप फ़र्स्ट रैंक हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं टॉप टेन में आ जाऊँगी पर फर्स्ट रैंक तो नहीं सोचा था टॉप टेन था एक्सपेक्टेशन मेरा तो क्या क्या स्ट्रैटी रही थी आपकी पढ़ाई की मतलब मैंने थोड़ा बहुत कोचिंग करा था और बाकी तो मेहनत किया एंड बहुत सारी साइड बुक्स भी रेफर करी एंड आकाश का पैकेज को किया बाकी यही सब करते करते तो क्यों एन ई टी क्यों चूज़ किया मेडिकल में जाने का मतलब क्यों चूज़ किया एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी तब से मेरा बहुत मन होता था डॉक्टर बनने का मतलब मेरी हॉबी है मतलब लोगों की मदद करना क्योंकि आजकल इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स मतलब बहुतों के मुझे सुनने को मिलता है कि अच्छे डॉक्टर्स हैं नहीं बस इसलिए मेरा बहुत मन होता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर बनू तो ट्वेल्थ की स्टडीज आपकी कैसी थी बैकग्राउंड अगर हम जाने तो शुरू से ट्वेल्थ की स्टडी भी अच्छी थी अभी मैंने बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं। आए नहीं है बट आई एक्सपेक्ट कि अच्छे आएंगे तो उनकी मौसी भी साथ में मौजूद हैं तो आपको कैसी प्रतिक्रिया थी जब इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया आ, पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मैं बोला कि रोल नंबर ठीक से मैच करो तो कह रही है नहीं मम्मी पापा का भी नाम मैच कर लिया हम बोले फिर तो ठीक है और मुझे भी यही मुझे वन टू थ्री तो था क्योंकि इसको जो हमने देखा कि आ, किताब के अलावा इसको कुछ दिखता ही नहीं था खाना भी नहीं खाना तो कुछ भी नहीं खाना मतलब तो कुछ रखा रहता था शाम को जाती अरे खाया नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं खाया मैं किताब पलट के रख देती थी रख पहले जिंदा रहेगी तब पढ़ाई करेगी तो और इसका बचपन से जो इसने मेंशन किया तो हमेशा हमारी फैमिली बहुत बढ़िया है और हमेशा लोग बीमार होते रहते हैं ख़ास करके हम लोग बिहार से हैं तो एक अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं हैं तो जब भी कोई आता है बहुत दुखी होती है और इसके अंदर पता नहीं इतना एक सेवा भावना बोलते हैं ना लोग होनार विरवान के चिकने तो बचपन से इसका था कि पढ़ाई के साथ सबका हेल्प भी करना और अभी भी इसका यही है कि पहले अभी भी मैं बोला कि तुम डॉक्टर बनेगी क्या करेगी पहले कहती है पहले समाज सेवा करूँगी लोग जो बहुत गरीब है ना उसका हेल्प करवाऊँगी उसके बाद फिर अपना बोले घर तो। पर कैसा माहौल था और पढ़ाई को लेकर अब पढ़ाई को लेकर इसने तो नवोदय से टेंथ किया है उसके बाद जब इसने टेंथ किया तो, <coughs> तो ट्वेल्थ के लिए इसको लगा कि नवोदय के पढ़ाई से नहीं हो सकता क्योंकि उसका तो रूटीन एक सेपरेट होता है तो इसने फिर दूसरे जगह पे एक नॉर्मल स्कूल से ट्वेल्थ का किया और घर पे रह करके तैयारी की फिर आकाश वाले सर लोग इनका जो था ऑनलाइन कोचिंग और कोशनस सो भी इसके भाई भी एक्चुअली आई में है अभी थर्ड ईयर में है ना थर्ड ईयर में तो उसका भी हेल्प हुआ वो भी सजेस्ट करता था कि कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है इनकी मम्मी भी टीचर इनकी मम्मी भी एक्चुअली बहुत पढ़ती थी हमारी हमसे जस्ट बड़ी दीदी हैं तो वो भी जब हम वो थे तो वो भी सुबह से शाम तक किताब ही पढ़ती रहती थो 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 तो थोड़ा जेनेटिक भी कह सकते हैं तो एक और सवाल कल्पना कर, कर से करना चाहेंगे तो क्या क्या आपके रूटीन था स्केड्यूल था क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बताएंगे एक्चुअली हम बच्चों को कुछ खास काम तो होता है, नहीं है मतलब बस पढ़ना होता है, था खाना होता था और मम्मी पापा से बात और मैं मतलब तो जो भी मेरे रिलेटिव थोड़े फ्रेंड्स हैं उन सब से बात बस यही मेरे रूटीन थी पढ़ाई और खाँ कितनी देर आप पढ़ाई करते क्योंकि मेडिकल मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है एक्चुअली मतलब छः सात घंटे सोते थे उसके अलावा एक दो घंटे खाने पीने में इधर उधर बाकी टाइम तो पढ़ाई होता था आपका शुरू से ही मोटिव था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है और क्या क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आगे एक्चुअली आई विश कि अगर मेरा एम्स में हो जाए तो वो तो बेस्ट होगा अदरवाइज यहाँ भी मुझे यहाँ इससे तो मेरे जो भी एज मतलब जिस भी कॉलेज में जाना चाहूँगी वो मिल जाएगा एंड फिर मुझे पाँच साल तो बाद अच्छे से करनी है फिर एम अच्छे से करना है एंड देन एक इंडिया को एक अच्छा डॉक्टर देना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश तो और आपके सिक्स नाइन्टी वन आए हैं सेवन ट्वेंटी में से तो ये मार्क्स आगे जो आप काउंट करें तो इसमें कहाँ एक्चुअली एक दो क्वेश्चन तो केमिस्ट्री का वो थोड़ा क्रिटिकल था मतलब जिसमें वन टू ऑप्शन और मतलब वो मैंने तो चैलेंज भी किया था और उसके बाद फिजिक्स में मेरे से एक सीधे मिस्टेक हो गया और एक क्वेश्चन मुझे फिजिक्स का नहीं आता था बाकी बायो में तो मेरे 360 सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी हैं तो क्या क्या आप बताना चाहेंगे एक सक्सेस मंत्र हमारे दर्शकों को मेरे अकॉर्डिंग तो हार्डवर्क और डेडिकेशन से ज़्यादा मतलब क्योंकि मुझे लगता है जब मेरा पहला जब आकाश में स्टार्टिंग में थोड़े दिन आए थे तो उस टाइम मुझे याद है जो आकाश के एमडी हैं जैसे चौधरी सर उन्होंने एक लाइन बोला था कि एक इंटेलिजेंट इंसान अपनी ज़िंदगी में फेल हो सकता है पर एक मेहनती इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होता बस मुझे लगा कि भाई मेहनत तो करना चाहिए एटलीस्ट ना भी रिजल्ट आए तो अपने अंदर इतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो होगा कि हम जितना कर सकते थे उतना किए तो ये थी हमारे साथ एन ई टी की टॉपर कल्पना कुमारी मैं लीना शर्मा कैमरा पर्सन सरोज कुमार के साथ राज्यसभा टीवी दिल्ली